हेलो डियर बच्चाज, माय नेम इज आर्यन। आई एम अ फोर्थ ईयर कंप्यूटर साइंस मेजर एट अशोका यूनिवर्सिटी एंड आई एम हेयर टू टीच यू मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। सो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में, विच इज नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। उसके बाद हम लोग आएंगे रैशनल नंबर्स के ऊपर। फिर वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। फोकस सब हम लोग बात सबके बारे में करेंगे, पर फोकस होगा हमारा रैशनल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? हमें ये पता है कि नंबर्स होते हैं 1, 4, 1/4, कुछ भी, 0, -1, -2, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नंबर्स हैं। तो इनमें नेचुरल नंबर्स कौन से? नेचुरल नंबर्स आर द पॉजिटिव नंबर्स दैट आर यूज फॉर काउंटिंग। अगर आप किसी चीज को काउंट करते हो तो आप -1 थोड़े ना बोलोगे किसी भी चीज को काउंट करते वक्त। आप जब भी बात करोगे काउंटिंग की, यू विल ऑलवेज काउंट इन पॉजिटिव। जीरो भी काउंटिंग में नहीं आता है, जीरो इज नथिंग। तो जब आप काउंट कर रहे होते हैं यू यूज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, एंड एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यार 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 बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नंबर्स हैं, आप लिख भी नहीं सकते, है ना। सो दीज आर नेचुरल नंबर्स। इनको अगर हम लोग एक नंबर लाइन पे बनाए तो वो ऐसी होगी। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, ये लाइन जाती है, ये लाइन आगे भी जाएगी। तो यहाँ पर हमारे जो नंबर्स हैं वो ये हैं, ये लाइंस हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड दे गो टिल इंफिनिटी। अगर होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं एंड दे गो टिल इन्फिनिटी, इसका मतलब हुआ कि होल नंबर्स आर बेसिकली जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, है ना। होल नंबर्स में क्या हुआ, वन से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर्स थे, एंड दे ऑल्सो हैव जीरो उसके अलावा। तो होल नंबर्स इज बेसिकली जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। दिस मीन्स अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स के लिए ये एक सर्कल बना रहे हैं, नेचुरल नंबर्स, चलो थोड़ा अलग से बनाते हैं, ऐसे, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स कुछ ऐसे बनेंगे, इतना बड़ा नहीं क्योंकि होल नंबर्स में बेसिकली नेचुरल नंबर प्लस वन होता है, बट कुछ ऐसा ही होगा। होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं, है ना। अब अगर हम लोग इसकी एक नंबर लाइन बनाए तो वो कैसी बनेगी? आपने अभी देखा था ना नेचुरल नंबर्स की नंबर लाइन कैसी थी। अब होल नंबर्स की नंबर लाइन की बात करते हैं। तो यहां पर आपकी जो नंबर लाइन है वो शुरू होती है जीरो से, है ना, क्योंकि सबसे पहला नंबर कौन सा था हमारा, जीरो। जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, ये है आपकी नंबर लाइन होल नंबर्स के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटीजर्स। आपको इंटीजर्स भी पता है, इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स जितने थे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव में, देन जीरो भी था। एंड इंटीजर्स में होते हैं नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4, -इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे इंटीजर्स हैं, हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, है ना। जेड इक्वल्स टू -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स। अब इसकी नंबर लाइन कैसी बनेगी, चलिए वो भी बना के देख लेते हैं। सीधी नहीं है पर आप अज्यूम कर लेना कि हाँ ये एक स्ट्रेट नंबर लाइन है। 1, 2, 3 एंड सो ऑन। -1, -2, -3, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर हमारे नंबर्स ये हैं। अब आपने ध्यान दिया एक चीज का, ये हमारी नंबर लाइन है, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी, इसमें जीरो भी है, पर नंबर लाइन में सिर्फ ये वाले पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, है ना, इतने से। बाकी ये लाइन का क्या हुआ, यहां पर भी तो नंबर्स होंगे ही होंगे ना। तो अब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एक इजी सी डेफिनेशन है, कोई भी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर जीरो ना हो। मतलब आपने कोई फ्रैक्शन लिखा, चलो 11/56, इसमें क्या डिनोमिनेटर आपका जीरो है? नहीं, है ना, दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आप नंबर लिख सकते हो, जीरो, जीरो भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? जीरो को 0/1 भी लिख सकते हैं, है ना।
इसके अलावा आपके और भी नंबर्स हैं, जैसे 10 / 89, ये भी तो एक रैशनल नंबर हुआ। इसके अलावा डेसिमल्स भी रैशनल नंबर्स है। कैसे? चलो 0.333 मैंने एग्जाम्पल में लिख रखा है, उसी के बारे में बात कर लेता। 0.333 ये हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? इसको हम लोग एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ऐसे पॉइंट हटाया, नीचे 1000 लिख लिया, क्योंकि तीन नंबर से तो 3 0 हो गए। सो 333 / 1000 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? इट्स अ फ्रैक्शन विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर। कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, दैट नंबर इज नॉट डिफाइंड। ये हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर रैशनल नंबर्स, है ना? समझ में आ गया? अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तुरंत आप चैट में लिखिए, मैं जैसे ही देखूंगा आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ यू। चलो अब हम लोग बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, वो भी इरेशनल नंबर्स के अंदर, लेकिन हम लोग इसमें सबके बारे में बात कर सकते हैं। मेरा इससे क्या मतलब है? चलिए ये तो फ्रैक्शन है तो रैशनल नंबर्स के ऊपर ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। नेवर माइंड। चलो अब हम लोग बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, वो भी रैशनल नंबर्स में। सो 1/4 + 3/4 कितना होगा? फटाफट से आपको चार्ट में लिखना है। 1/4 + 3/4, आप 4 एज अ डिनोमिनेटर कॉमन ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। वेट, हाँ 1/4 + 3/4 में आपने 4 को कॉमन ले लिया। 1 + 3 = 4/4 = 1, है ना? सो दिस इज इक्वल टू 1। ये हो गया 20.5 - 15.5। जल्दी से आपको चार्ट में बताना है, जल्दी से। ये होगा 5 के इक्वल। 100 - 300 -200, आराम से हो गया। 0.111 + 0.555, फटाफट आपको चार्ट में लिखना है ये, इसका आंसर इजी सा है 0.666। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन? थोड़ा सा टफ है पर उतना टफ नहीं है। आपको इन तीनों नंबर्स का सेम एलसीएम लेना है टू ऐड देम। तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पे? 8 होगा। तो आप जब इसको एलसीएम लेंगे, नीचे आपको आना है 8। इसको इसको 8, इसका डिनोमिनेटर 8 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1 × 4 कितना? 4। 4 + 2 + 1 = 7/8। ये हो गया आपका ये फ्रैक्शन का सम। 1/2 - 1/4 का सम क्या होगा? फटाफट आप चैट में लिखिए। 1/4 इसको कर देंगे 2/4। क्यों? 1/2 × 2/2 = 2/4 - 1/4 = 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम लोग करते हैं तो सिंपल सा है, जैसे पहले करे थे वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे फ्रैक्शंस आ रहे हैं और फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हमको ऑलरेडी आता है। सो 1/2 × 3 कितना होगा? 3/2। खराब। 5/2 × 2/5, 5/2 × 2/5, 5/5 कैंसिल हो गया, 2/2 कैंसिल हो गया, क्या मिला? 1। इसका आंसर है 1। 300 / 100 क्या होगा? 3 होगा। 65 - 35 × 2, आपको पेडमास रूल पता है ना, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। 65 - 35 होता है 30, 30 × 2 कितना होगा? 60। जल्दी से करना है आप। व्हाट अबाउट दिस वन? 5 - 5 / 2, 5 - 5 क्या होता है? 0। 0 / 2 कितना होगा? ये भी सिंपल सा है, जीरो कोई भी नंबर से अगर हम लोग 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, वी गेट 0। खत्म। 4 / 3 कितना होगा? इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इट विल बी 1/3 या फिर 1.333 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पर क्या रैशनल नंबर्स में डिवीजन प्रॉपरली होता है? अभी हम लोगों ने हम लोगों ने एक डिवीजन किया जो प्रॉपरली हो गया, पर चलिए कुछ और भी ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रैशनल नंबर्स की नंबर लाइन। फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ तो यहां पर हमारे रैशनल नंबर्स जो है उसमें ये वाले नंबर्स भी आ रहे हैं, ये जो डॉट्स मैंने बना रखे हैं -1 -2 वाले, तो
उसके अलावा यहाँ पे भी नंबर्स आ रहे हैं। सो ये एक कंटिन्यूअस लाइन बन जाती है, ये है हमारे रैशनल नंबर्स। इसके अलावा हमें बात करनी थी डिवीजन के बारे में। जब हम लोग डिवीजन कर रहे होते हैं, व्हाट इफ यू हैव टू रैशनल नंबर्स 10, 0, 0 ही लेते हैं, 10, 0। अब हम इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या ये हो पाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 0? व्हाट्स द आंसर फॉर दिस, क्या आपको पता है? सो व्हेन यू डिवाइड 10 बाय 0 द आंसर इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको ब्लैक होल के बारे में पता है, सो ब्लैक होल इज अ प्लेस जहां पर फिजिक्स के सारे लॉस फेल हो जाते हैं। वहां पर लाइट अंदर चली जाती है एंड वहां पर अगर कुछ भी जाता है तो वो बाहर नहीं आ पाता है। सेम होता है डिवीजन बाय जीरो के साथ। जैसे फिजिक्स में ब्लैक होल के पास जाने पे ब्लैक होल के अंदर सारे के सारे लॉज ऑफ फिजिक्स फेल होते हैं, वैसे ही डिवीजन बाय जीरो के वक्त हमारी जितने भी मैथ्स की नॉलेज है आज तक की, वो फेल हो जाती है। वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड बाय जीरो, दैट्स वाई वी कॉल इट अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो नाउ वी आर गोइंग टू डू सम प्रॉपर नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। सो क्या क्या प्रॉपर्टीज है? क्लोजर, अभी मैंने जो डिवीजन वाला बताया था उसको क्यों बताया था वो हमें अब पता चलेगा। सो व्हेन वी हैव टू रैशनल नंबर्स, लेट्स से दे आर ए एंड बी, हम लोग उसमें एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लीकेशन करेंगे, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी आर रैशनल नंबर। क्या यकीन नहीं हो रहा? फाइंड मी टू रैशनल नंबर्स जिनको आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो एंड द रिजल्ट इज नॉट अ रैशनल नंबर। चैट में आपको फटाफट लिखना है अगर आपको कोई भी आंसर मिलता है, ठीक है? और मैं आके आपके आंसर्स देखूंगा इन केस आपको कोई आंसर मिलता है। तो इसके अलावा रैशनल नंबर्स को चलो एक बार एक कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं। सो वी हैव 55/78 + 87 / 156, ठीक है? हमने ये नंबर्स ले लिए। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे क्या आएगा, इनका एलसीएम होगा 156। क्यों? क्योंकि 78 × 2 इज 156। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, एलसीएम हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 55 × 2 कितना होगा, फटाफट चार्ट में लिखिए, 110। 110 / 156 + 87 / 156 कितना होगा, इसका सम बताइए जल्दी से। 110 + 87 197 / 156। तो ये एक रैशनल नंबर है ना, तो हमें पता चल गया कि जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं उनके सम करने पे वी विल गेट अ रैशनल नंबर। इसके अलावा जब सब्ट्रैक्शन करें या फिर मल्टीप्लीकेशन करें, कोई भी दो रैशनल नंबर्स को हम ऐड कर रहे, सब्ट्रैक्ट कर रहे या मल्टीप्लाई कर रहे, रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर, पर डिवीजन में नहीं हो सकता। क्यों? चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। जब हम लोगों ने कोई दो नंबर्स को डिवाइड किया, लेट्स से दो नंबर्स के हम कुछ थोड़ा सा बड़ा लेंगे, 110 / 66 - 33 - 33 ये लेते हैं, सिंपल सा है ये भी, पहले सॉल्व करेंगे, 110 / 66 - 33 - 33 - 33 दोनों को जब साथ में लेंगे, दोनों नेगेटिव है दोनों को ऐड कर देंगे, सो 33 - 33 - 33 मिलकर बनाएगा -66। 110 / 66 - 66 ये तो 0 हो गया, 110/0 क्या ये एक रैशनल नंबर है? नहीं है। क्यों? रैशनल नंबर की सिर्फ एक डेफिनेशन है कि रैशनल नंबर में फ्रैक्शन शुड ऑलवेज बी अ नॉन जीरो नंबर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर शुड नेवर बी अ जीरो। एनी फ्रैक्शन विद अ नॉन जीरो डिनोमिनेटर, ठीक है? आपको इसका ध्यान रखना है हमेशा, जब भी आप जब भी आप कोई रैशनल नंबर्स के बारे में कुछ भी कर रहे हैं, इवन आगे भी, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो दैट नंबर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है अभी तक, फील फ्री टू राइट इन द चैट, मैं जैसे ही वो आपके क्वेश्चंस देखूंगा मैं तुरंत आंसर करूंगा।
चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। वी नो व्हाट क्लोजर प्रॉपर्टी इज, है ना, क्या होती है एक बार फिर से बता दे रहा हूं। कोई भी दो नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। बस इतना, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, हम उनके बीच में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, एंड इफ वी चेंज द ऑर्डर द रिजल्ट डज नॉट चेंज, वी गेट द सेम आउटपुट, नॉट द सेम आउटपुट। इफ वी आर डूइंग एनी ऑपरेशन एंड चेंजिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द रिजल्ट, इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो एक बार फिर से बताता हूँ, ये वाली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई। वेन वी आर डूइंग एनी ऑपरेशन, अगर हम लोग उसमें नंबर्स को ऑर्डर बदल दें और रिजल्ट ना चेंज हो, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो, ठीक है। क्या एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है? ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं, 55 प्लस 65 करें या 65 प्लस 55 करें, क्या रिजल्ट सेम आएगा? ट्राई करके देख लेते हैं। 55 प्लस 65 कितना होगा? फटाफट चैट में लिखिए, 55 प्लस 65, 55 प्लस 65, जल्दी से बताना है। इट इज 120। वट अबाउट 65 प्लस 55? इन दोनों का सम करें तो भी कितना आएगा? वो भी सेम होगा, इट इज 120, ठीक है। एडिशन होता है, एडिशन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वॉट अबाउट दिस, 1/3 -1/6 करें और 1/6 -1/3 करें, जब हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या हमारा रिजल्ट सेम है? ट्राई करके देखते हैं। 1/3 -1/6 और 1/6 -1/3, तो यहां पे मैंने एक लाइन बना ली, 1/6 -1/3, और यहां पर है 1/3 -1/6। पहले इनको करते हैं, तो एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। 1/6 माइनस, इसको मैं जल्दी से बता दे रहा, ये होगा 2/3 के इक्वल। व्हाट अबाउट दिस वन, ये होगा 2/3 -1/6, ये आया कितना? 2/6, सॉरी, क्योंकि हमने एलसीएम ले से अब हमने एलसीएम की अब हमने सेम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में। 1/6 -2/6, ये होगा -1/6 के इक्वल, ये होगा 1/6 के इक्वल। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। -1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/6। दिस मीन्स दैट व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारा रिजल्ट सेम नहीं आता है, ठीक है। चलो व्हाट अबाउट मल्टीप्लीकेशन, 1/2 × 4 क्या इक्वल है 4 × 1/2 के? इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। 1/2 × 4, नेक्स्ट वन इज 4 × 1/2। 1/2 × 4 कितना होगा? इसको कैंसिल किया, ये आया 2 इक्वल्स टू 2। इसको कैंसिल किया, ये आया 2, ये गया 2 × 1 इज 2, ये भी आया 2। सो व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग द, इवन इफ वी चेंज द रिजल्ट, इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर, रिजल्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, ये भी ठीक है। सो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ये हमें पता चल गया। वॉट अबाउट दिस वन, 5/6, क्या 5/6 इक्वल होता है 6/5 के? ये तो इतना ऑब्वियस है कि हमें इसको चेक भी नहीं करना, क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस है, ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम फंसी, है ना। सो डिवीजन इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि व्हेन वी आर एडिंग और व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग, इन्हीं दोनों ऑपरेशंस में वी हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ऑर्डर चेंज करने पे रिजल्ट सेम आएगा। एंड व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग और डिवाइडिंग, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। दिस मीन्स ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन हो, आप चैट में लिखेगा, मैं उनको नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लियर कर दूंगा, आगे के जो भी लेक्चर्स में लेने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो वॉट इज द यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी? सिंपल सी है और ये आपके काम को थोड़ा सा आसान कर देती है। कैसे? आपका जो भी एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई कर देगी, इसका बस इतना काम है। तो आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का ऑपरेशन साथ में आ गया, a × b + c, वो बता रही, वो कह रही है कि अगर हमारे इस टाइप का कुछ ऑपरेशन है, a × b + c, हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ab + ac, मतलब a × b + a × c के बराबर है, ठीक है। एंड इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ab + ac,
वो इक्वल होता है ए टाइम्स बी प्लस सी के। क्यों? हम लोग इसको ये भी तो कर सकते हैं ना, इससे हमने ए को कॉमन ले लिया तो 1 टाइम्स b + 1 टाइम्स c इक्वल्स टू ए बी प्लस सी, हो गया ना। तो हमें मिल गया, तो हमारा ये सेकेंड वाला जो प्रूफ है ये भी हमको पता चल गया ये कैसे आया, तो ये कैसे इक्वल है। और इसमें भी कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए बी से, ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड एक और चीज, ये जो पहला आपका, ये जो आपका पहला लाइन है वो दूसरे के इक्वल है, पहला स्टेटमेंट इज इक्वल टू दूसरा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बस हमने उल्टा करके लिख दिया। पहले ए टाइम्स बी प्लस सी था, इस बार ए टाइम्स बी प्लस ए टाइम्स ए टाइम्स सी है, ठीक है। पहली लाइन को बस हमने उल्टा करके लिख दिया है, यहाँ जहाँ पे ए बी प्लस सी था वो इधर आ गया, ए बी प्लस ए सी इधर आ गया, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी चीज है। चलो अब हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? ये कहती है हम लोग कोई भी पेयर को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, जिस भी पेयर को हम लोग पहले ऐड या मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब क्या हुआ? चलो पहले इसको, इस एग्जांपल को लेके देखते हैं। 2 + 5 + 6, सो वी हैव 2 + 5 + 6, है ना। पहले चलो इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर उसमें 6 को ऐड कर देंगे। सो 2 + 5 कितना होगा? 7। 7 + 6 कितना? 13, ठीक है। अब हम लोग 5 + 6 कर लेंगे और उसमें 2 को ऐड करेंगे, तो 5 + 6 करा कितना आया? 11। 11 + 2 करा कितना आया? 13, है ना। इसके अलावा एक और पेयर बन सकता है, वो ये है, 2 से हम लोग पहले 6 को ऐड करें, बाद में 5 को ऐड करें। सो 2 + 6 कितना होगा? 8। 8 + 5 कितना होता है? 13। तो आपने देखा ना, हम लोग कोई भी पेयर को पहले ऐड करें, रिजल्ट हमेशा सेम आ रहा है हमारा। इसके अलावा दूसरा था मल्टीप्लिकेशन में, जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग, आप लोग कोई भी दो पेयर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो जो सा आपको आसान लगे, एंड द यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन हो आप तुरंत चैट में लिखिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोगों को बस कुछ क्वेश्चंस करने। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 87 डिवाइडेड बाय 218। अगर पहला 87 के इक्वल, इफ द फर्स्ट नंबर इज 87 डिवाइडेड बाय 109, फाइंड द अदर वन। सिंपल सा है, अगर आप चाहो तो एक बार इस वीडियो को पॉज करो, ट्राई इट ऑन योर ओन एंड देन वी कैन स्टार्ट। और मैं बस 5 सेकेंड के लिए वेट करा, एंड देन आई स्टार्ट। 1 2 3 4 5, तो अब चलिए शुरू करते हैं। द टू नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है। सो पहला नंबर हमारा एक्स है, दूसरा है 87 डिवाइड बाय 109। सो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स टाइम्स 87 डिवाइडेड बाय 109 इक्वल्स टू 87 डिवाइडेड बाय 218। कुछ हिंट मिल रहा है? क्या करेंगे अब हम लोग इसके बाद? जल्दी से आप चैट में लिखिए इसका आंसर, अगर आपको मिल चुका है, और अगर नहीं मिला है तो स्टे ट्यून्ड। सो अब हम लोग इस नंबर को इस तरफ भेज देंगे। सो वी गेट एक्स इक्वल्स टू 87 डिवाइडेड बाय 218, वेट, 218 दिस डिवाइडेड बाय 87 डिवाइडेड बाय 109। जब हम लोग किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, जब हम लोग किसी फ्रैक्शन से डिवाइड कर होते हैं, हम लोग उसका बस रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो वी गेट 87 बाय 218 टाइम्स 109 डिवाइड बाय 87। इसको सॉल्व कर लेंगे, यह है 218, तो 87 87 कैंसिल हो गया। व्हाट अबाउट दिस, 109 से ये पूरा कैंसिल हो रहा है, वी गेट 2 हियर। सो वी गेट एक्स इक्वल्स टू 1/2। सो द अदर नंबर इज, वन बाय टू, ठीक है। चलो ये हो गया, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
What number should 68 by 11 be divided to get minus 17 by 22? फिर से मैं 5 सेकंड वेट करो, आप इस वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं ट्राई तो फिर मैं तो कर ही रहा हूं, ठीक है? चलो, 1, 2, 3, 4, 5, उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो वी हैव 68 एंड वी नीड टू फाइंड द नंबर। ओके, आई शुड हैव रिटन दिस हियर, बी डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर शुड 68 बाय 11 बी डिवाइडेड टू गेट माइनस 17 बाय 22? ये हमारा क्वेश्चन है। सो लेट द नंबर बी एक्स। नंबर हमारा एक्स है। वी डिवाइड 68 बाय 11 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू माइनस 17 बाय 22, है ना? सो 68 बाय 11 टाइम्स 1 बाय एक्स इक्वल्स टू माइनस 17 बाय 22, है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स को इस तरफ भेज देते और इस नंबर को इधर ले आ रहे हैं। 68 बाय 11 टाइम्स 22 अपॉन माइनस 17 इक्वल्स टू एक्स। 17 से 17 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 68, 11 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 22। सो वी गेट, यहाँ पे एक माइनस भी था, सो माइनस 8 इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू 8, ठीक है? सो वी हैव टू डिवाइड 68 बाय 11 बाय 8, वी हैव टू डिवाइड दिस फ्रैक्शन 68 बाय 11 बाय 8 टू गेट दिस फ्रैक्शन माइनस 17 बाय 22, ठीक है? सिंपल सा था, सॉल्व हो गया। चलो दिस वन, सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 9/5। अगर पहला 10.5 है, फाइंड द अदर वन, 9/5, सॉरी। सो ठीक है, वी हैव n1 इक्वल्स टू 10.5, n2 को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है, पहला नंबर फ्रैक्शन में, दूसरा नंबर डेसिमल में। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो दोनों को फ्रैक्शन में कर लेंगे या फिर दोनों को डेसिमल में कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो सा इजी लगे आप वो कर सकते हो, मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लूंगा। एंड सम इक्वल्स टू 9/5। 9/5 को हम लोग जब डेसिमल में लिखते हैं, इट इज 1.8, ठीक है? इसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर आप कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो, एक्स डिवाइड बाय 5, तो उसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स x लिख के उसमें आप कोई एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। सो लेट्स से वी हैव दिस नंबर 27। 27 है हमारा नंबर, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 5। ऐसे हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। ये हम लोग 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट 54, और यहाँ पे पहले नंबर के बाद हम लोग एक डॉट लगा देते हैं, डेसिमल। सो द आंसर इज 5.4, ठीक है? कैसे आया वो देखते हैं। सो वी हैव 27 बाय 5, है ना? 27 बाय 5 को, 5 को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, 20 इक्वल्स टू 27 अपॉन 10 बाय 2। 5 इक्वल्स टू 10 बाय 2 होता है ना? सो हमने इसको ऐसे कर लिया, 27 टाइम्स 2 डिवाइड बाय 10, तो हम लोगों को ये आंसर मिल गया। 9 डिवाइड बाय 5 किया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके एक डॉट लगा दिया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 18। 18 में पहले नंबर के बाद डॉट लगा दिया, सो द आंसर इज 1.8, ठीक है? हमें हमारा सम ये है, एंड वी हैव n1 इक्वल्स टू 10.5। सो वी नो n1 प्लस n2 इक्वल्स टू 10.5, है ना? n1 क्या था, नहीं सॉरी, 1.8। n1 क्या था, 10.5 के इक्वल, प्लस n2 इक्वल्स टू 1.8। n2 क्या होगा, 1.8 माइनस 10.5, ये किसके इक्वल होगा, वो आपको करना है, जल्दी से करिए। ये इक्वल होगा
माइनस पॉइंट थ्री, 8.3 के, माइनस 8.3 के इक्वल होगा एन टू। ठीक है, ये भी हो गया, इजी सा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट हो गया मजे में। नाउ ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। आई हैव थ्री रोप्स ऑफ लेंथ 8.5 मीटर, 6 मीटर एंड 3/2 मीटर। आई नीड टू ज्वाइन देम एंड मेक वन। टू ज्वाइन टू रोप्स आई हैव टू मेक अ नॉट विच रिक्वायर्स 0.5 मीटर फ्रॉम ईच रोप। वॉट विल बी द लेंथ ऑफ माई रिजल्टिंग रोप। थोड़ा सा टफ है पर रैशनल नंबर्स के ऊपर है, और इतना टफ नहीं है ये, बस क्वेश्चंस का गेम है, ये बस वर्ड्स का गेम है। कैसे, चलो एक बार ट्राई करते हैं। सो वी हैव थ्री रोप्स, पहला 8.5 मीटर, 6 मीटर एंड 3/2 मीटर। पहली रोप है 8.5 मीटर के इक्वल, दूसरी रोप है, मैं फिर से भूल गया सॉरी, पहली रोप है हमारी 8.5 मीटर के इक्वल, दूसरी है 6 और तीसरी है 3/2। 8.5, 6 एंड 3/2, यहां पर हमको मिल रहा है एक डेसिमल, एक फ्रैक्शन। क्या कर सकते हैं, या तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले या इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ले। तो हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, सो हमारे पास ये तीन रोप्स हैं, ये 8.5, 6 एंड 1.5। ठीक है, ये तीन रोप्स हैं हमारे पास एंड हम लोगों को बोला गया है वी हैव टू ज्वाइन देम। तो ये पहली रोप हो गई, ये दूसरी रोप हो गई, ये तीसरी रोप हो गई। पर हेयर्स द कैच, जब हम लोग तीनों रोप्स को ज्वाइन करेंगे तो दोनों साइड से 0.5 0.5 मीटर चला जाएगा, विच मीन्स ये वाला हिस्सा नहीं होगा। तो कैसे करा जाए, 8.5 मीटर है, 6 है एंड 3 है, 3/2 है। पहली रोप से कितना जाएगा, यहाँ यहाँ से जाएगा 0.5 मीटर, यहाँ से भी जाएगा 0.5 मीटर, है ना। फिर सेम होगा यहाँ पर, यहाँ से गया 0.5 मीटर और यहाँ से गया 0.5 मीटर। तो और ये हमारी पूरी रोप है सो द रिजल्टिंग रोप विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज रोप्स माइनस 4 बाय 4 टाइम्स 0.5। सो इट इज 8.5 प्लस 6 प्लस 1.5 माइनस 4 टाइम्स 0.5। कैसे, फिर से बताते हैं, तीन रोप्स हैं, तीनों रोप को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो दोनों रोप्स का एक एक साइड से 0.5 मीटर कट हो जाएगा, क्योंकि वो नॉट बनने में यूज हो रहा है। तो अगर हम लोग इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये दोनों हिस्से चले जाएंगे। सो हमारी जो रोप होगी, इन दोनों का सम -0.5 -0.5। ऐसे ही जब तीन रोप्स है तो चार जगह से जाएंगे, क्यों, पहली रोप का ये कॉर्नर, दूसरी रोप का ये कॉर्नर, दूसरी रोप का ये सेकेंड कॉर्नर जाएगा क्योंकि इससे ज्वाइन होगा, है ना। तो 8.5 प्लस 6 प्लस 1.5 माइनस 4 टाइम्स 0.5। ठीक है, तो हमने इसको किया, वी गेट व्हाट, 8.5 प्लस 1.5 कर लेंगे आएगा 10, 10 प्लस 6 माइनस 4 टाइम्स 0.5, ये होता है 2 के इक्वल, इक्वल्स टू 10 प्लस 6 होता है 16, 16 माइनस 2 होता है 14, सो वी गेट 14 हियर, विच मीन्स लेंथ ऑफ माय रिजल्टिंग रोप विल बी 14 मीटर। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया आराम से, इतना टफ नहीं था, बस ये था कि थोड़ा सा वर्ड्स का गेम था, बाकी ये एक रैशनल नंबर्स का ही सम था। कैसे, एक बार फिर से मैं आपको पूरा सम लिख के दिखाता हूं, 8.5 प्लस 6 प्लस 3/2, उसको मैंने लिख लिया 1.5 के इक्वल, माइनस 4 टाइम्स 0.5। अब ये 4 क्यों गया, क्योंकि तीन रोप्स हैं, जो सेकेंड रोप होगी उसके दोनों साइड जाएंगे और पहली रोप और थर्ड रोप का एक साइड जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 14 के इक्वल, 14 मीटर, डन, सिंपल सा था पर थोड़ा सा वर्ड्स का गेम था। चलो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। ठीक है, पी बाय क्यू वेयर क्यू इज नॉट जीरो। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है,
हम लोग कोई भी दो नंबर्स, कोई भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, वी गेट आर रैशनल नंबर एज द रिजल्ट। ठीक है, सिंपल सा था ये भी। कम्यूटेटिव लॉ बोलती है ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए एंड ए टाइम्स बी इक्वल्स टू बी टाइम्स ए। ठीक है, ये भी हो गया। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ बोलती है हम लोग कोई भी दो पेयर्स को पहले ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, हमारा रिजल्ट हमेशा सेम आएगा अगर एडिशन या मल्टीप्लीकेशन। सो एसोसिएटिव लॉ में ए प्लस बी प्लस सी करें, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी को पहले ऐड कर दिया, प्लस सी कर दिया, और सेम होता है मल्टीप्लाई में, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी सेम होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वॉज ए टाइम्स बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, सिंपल सा था। चलो ये भी डन। सो हमारे आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटिव एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सिंपल सी चीज है, बस नाम बड़ा सा है। देन वी विल टॉक अबाउट 0 एंड 1। 0 एंड 1 काफी इंपॉर्टेंट होते हैं रैशनल नंबर्स में, वी विल टॉक अबाउट देम। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन फील फ्री टू राइट इन द चैट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस कंटेंट एंड यू थिंक दिस हैज बीन हेल्पिंग यू इन योर स्टडीज, व्हाई नॉट गेट एन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर आप स्क्रीन पे लिखा हुआ कोड यूज करते हैं ARS10, यू विल गेट अ फ्लैट 10% ऑफ। बहुत फायदे की बात है। यू हैव टू यूज दिस कोड ARS10 एंड यू विल गेट अ फ्लैट 10% ऑफ। हम लोग इंडियन समय पैसा बचाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में ऐसा क्या खास है? पहला, आप घर बैठे बैठे पढ़ सकते हो। इसके अलावा यू विल हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल ऑफ आवर कोर्सेस। बहुत फायदा होगा आपको अगर आपको सारे के सारे कोर्सेज घर बैठे बैठे मिल रहे हैं। यू कैन एक्सेस देम एनी टाइम एनी वे, ऑल यू नीड इज एन इंटरनेट कनेक्शन एंड योर डिवाइस। फिर आपके जितने भी कोर्सेज होंगे, यू विल बी टॉट बाय टॉप एडुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। ये एडुकेटर्स का जो जो अभी लर्नर बेस है, दैट ऑलरेडी इज इन थाउजेंड्स। तो ये ऑलरेडी बहुत फेमस एडुकेटर्स हैं एंड दे विल बी द वंस हु टीच यू। इसके अलावा यू विल हैव रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड आंसर राइटिंग सेशंस। आंसर राइटिंग सेशंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको आता है, यू नो व्हाट यू हैव टू राइट, बट यू आर अनेबल टू राइट इट एज योर आंसर, या फिर आपने अपना आंसर लिखा एंड यू आर नॉट गेटिंग गुड ग्रेड्स, दीज सेशंस विल हेल्प यू अ लॉट। इसके अलावा वी विल कवर योर एंटायर सिलेबस, यू विल हैव मेंटोरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम टॉप एडुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी, यू विल रिसीव स्टडी मटीरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट्स एंड यू विल हैव प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सीरीज एंड डेली एमसीक्यूज। तो आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, यू विल एस इन योर एग्जाम्स। सो व्हाट्स द प्राइस ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन? चलिए उसकी बात करते हैं। सो इफ यू गेट अ सब्सक्रिप्शन फॉर 6 मंथ्स, यू विल हैव टू पे 10,000 रुपीज। तो ये जो प्राइस है, दिस इक्वल्स टू 1,667 रुपीज पर मंथ। वही अगर आप 2 साल के लिए लेते हो, 24 मंथ्स के लिए, यू विल हैव टू पे ओनली 25,000 रुपीज, विच इज 1,042 रुपीज पर मंथ। और अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं ARS10, यू विल हैव टू पे ओनली 938 रुपीज पर मंथ फॉर 24 मंथ्स। तो ये आपके एक नॉर्मल ट्यूशन से भी कम पड़ रहा है, देखा कितना बेनिफिट वाली चीज है। और इसके अलावा यू विल हैव बेस्ट एडुकेटर्स, यू विल हैव लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस, यू विल हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड यू विल रिसीव स्टडी मटीरियल फ्रॉम आवर साइट। बहुत फायदा होगा आपका अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। वी ऑल्सो ऑफर अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें ऐसा क्या खास क्या है? पहला, यू विल हैव वीकली रिपोर्ट्स, यू विल हैव लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, यू विल हैव अ पर्सनल मेंटर, यू विल हैव पेरेंट कनेक्ट व्हिच इज अ रेगुलर सेशन जिसमें योर पेरेंट्स गेट टू मीट योर मेंटर एंड टॉक अबाउट व्हाट इज योर प्रोग्रेस। इसके अलावा यू विल ऑल्सो हैव अ स्टडी प्लानर व्हिच विल कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस एंड हाउ गुड यू आर परफॉर्मिंग। यू विल गेट अ मंथली रिव्यू अबाउट योर प्रोग्रेस एंड यू विल ऑल्सो इन एडिशन टू ऑल ऑफ दिस यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स यू आर गेटिंग इन अनअकैडमी प्लस। सो ये तो और अच्छी है। व्हाट्स द प्राइस फॉर दिस? अगर आप 6 महीने के लिए लेते हो, यू विल हैव टू पे 17,000 रुपीज। वही अगर आप फॉर 24 मंथ्स के लिए लेते हो, यू विल हैव टू पे 48,000 रुपीज, दैट इज 2,000 रुपीज पर मंथ। अब अगर आप इसमें ये कोड अप्लाई करते हैं ARS10, यू विल हैव टू आपका 10% कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। सो देन यू विल हैव टू पे रुपीज 43,200 फॉर 24 मंथ्स पर मंथ एंड यू विल हैव टू पे 2,550 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स इफ यू आर गेटिंग अ 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है एंड यू शुड डेफिनेटली गेट अ सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा, यू विल एस योर एग्जाम्स।
So that's it for today. If you like this video and you like whatever, if you think this is helping you in your studies, make sure to like and share this video with your friends. If you're new to the channel, make sure to subscribe and press the bell icon so that you get notifications for the next videos. Chalo, I'll take my leave now. Bye bye. Take care.